बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिस इज़ अफ़ज़ाल फ्रॉम लाहौर प्रॉपर्टी नेटवर्क। आज आपके लिए लेके आऊँ 10 मरले का एक मॉडर्न डिज़ाइनर हाउस जो कि इस वक्त लोकेटेड है सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम में। घर का फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, मुकम्मल तौर पर टाइल का इस्तेमाल किया गया, बहुत ही खूबसूरत ये घर अंदर से डिज़ाइन किया गया। इसकी लोकेशन भी बहुत ही प्यारी है। इसकी लोकेशन सबसे पहले आपको गाइड करूँ तो यहाँ पर आपको 80 फीट का रोड, डबल रोड मिल जाता है और 500 किनाल की पार्क जो सेंट्रल पार्क की पार्क है उसके बिल्कुल आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर मिलता है। ये आप देख सकते हैं, ये 500 किनाल की पार्क है जिससे आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ये घर मिलता है। बहुत ही खूबसूरत अंदर से डिज़ाइन किया गया है और प्राइस भी बिल्कुल रीजनेबल है बाकी घरों से। घर का मुकम्मल टूर करते हैं, मुकम्मल वीडियो वॉच कीजिएगा, इसकी प्राइस इसी वीडियो के दरमियान आपके साथ शेयर करूँगा। इसी के साथ बढ़ते हैं घर के अंदर की तरफ। तो इसका फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं क्लोज करके, जिसके ऊपर खूबसूरत टाइल का इस्तेमाल किया गया है। मेन डोर डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं घर के अंदर की तरफ। तो ये इसका मेन डोर। कारपोर्ट में आते हैं तो इजीली आप यहाँ पे 3 बड़ी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस दी गई है, नीचे आपको खूबसूरत टाइल वर्क मिल जाता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास और ट्रेवर्टिन टाइल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे स्ट्रीट मिलती है 5 फीट की, जो कि बैक के ऊपर आपको लेके जाती है LDA रोज के मुताबिक। मेन दीवार के ऊपर भी आपको टाइल का इस्तेमाल मिलता है, दरमियान के अंदर अल्लाह लिखा गया है मोज़ेक वर्क के जरिए। यहाँ पर दूसरी तरफ इसकी बाउंड्री वॉल भी देखें तो यहाँ पर भी ट्रेवर्टिन टाइल और आर्टिफिशियल ग्रास का इस्तेमाल किया गया है। मेन को आप अगर क्लोज करके देखेंगे तो आपको बड़ी टाइल 2x4 की जो बड़ी टाइल है वो इसका इस्तेमाल मिल जाता है। ये मेन इंट्रेंस वेलकम करती है हमें। तो यहाँ पे हमें डोर मिलता है 10 फीट हाइट का और ये इसका जो कि सेमी सॉलिड डोर है, पूरे घर के अंदर सेमी सॉलिड डोर का इस्तेमाल किया गया है। साथ में इसके ड्राइंग रूम का डोर मिल जाता है। इसके लॉबी में दाखिल होते हैं तो यहाँ पर हमें लॉबी वेलकम करती है फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए और ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए। नीचे पोर्टरूम की ऑप्शन मिलती है। नीचे हमें देखें तो टाइल का इस्तेमाल मिल जाता है 2x4 की। ये इसका पोर्टरूम में बेसन के साथ हमें इंडियन कमोड की ऑप्शन मिलती है। फुल वॉल टाइल का इस्तेमाल किया गया, शावर का भी इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर सीलिंग वर्क देखेंगे तो शैंडलर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से इंट्रेस लेते हैं इसके TV लॉन्च की। ये इसका खूबसूरत सा TV लॉन्च देखने को मिलता है हमें। नीचे सेम टाइल में मिल जाती है मीडिया वॉल के साथ इसकी फीचर वॉल्स मोल्डिंग के जरिए यहाँ पे डिज़ाइन की गई है। और सीलिंग वर्क, सीलिंग में आपको शैंडलर और फैन इंस्टॉल मिलते हैं। जिसका ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम को सेपरेट किया गया है वुडवर्क और ग्लास के जरिए। और ये इसका ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम की मेन दीवार के ऊपर भी फीचर वॉल मोल्डिंग के जरिए हमें मिल जाती है। और सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं। सामने वेंटिलेशन के लिए आपको बड़ी विंडो मिल जाती है। यहाँ पे इसके इंटरेस्ट बाइट से 2 बेडरूम मिलते हैं आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, 3 बेडरूम आपको मिलती है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। सबसे पहले हमें यहाँ पे ओपन किचन मिलता है। किचन में के अंदर जो कबर्ड्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत कलर्स के अंदर डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे वॉल के ऊपर भी टाइल का इस्तेमाल कलर कम्बिनेशन किया गया है। काउंटर के ऊपर ब्लैक मार्बल, यहाँ पे इसका किचन हुड और बर्नर इंस्टॉल कर दिया गया है, डिश वॉश और साथ में वेंटिलेशन के लिए विंडो, बैक में जाने के लिए यहाँ पे डोर दिया गया। दूसरी तरफ भी हमें एक्स्ट्रा कबर्ड्स दी गई हैं, अपर और लोअर जगह छोड़ी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोज़ेक वर्क किया गया स्टोन के जरिए। इसके घर के जितने जो फैंस हैं वो सारे ऑटोमेटिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिमोट पड़ा है, रिमोट के जरिए होंगे। और साथ में इसका मास्टर बेडरूम, बेडरूम में आते हैं तो नीचे हमें फ्लोर के ऊपर 2x4 की टाइल दी जाती है पोशिश और खूबसूरत से वॉलपेपर के जरिए इसकी बेड वॉल डिज़ाइन की गई है। और सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं। साथ में ही इसका अटैच बाथ, 8 फीट हाइट का डोर है, यहाँ पे दाखिल हो चुके हैं इसके अटैच बाथ में। यहाँ पे कमोड और शावर, ऊपर GFC का फैन मिलता है, एग्जॉस्ट फैन। ये इसकी वेंटी के ऊपर मिरर, उन वॉल टाइल का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। यहाँ से चलते हैं तो इस रूम की हमें 3 डोर सेक्शन के अंदर वार्डरोब्स देखने को मिलती हैं। और ये इसका सेकंड बेडरूम, बेडरूम में आते हैं तो सामने वेंटिलेशन के लिए सेफ्टी ग्रिल के साथ विंडो मिल जाती है और खूबसूरत यहाँ पे इसकी बेड वॉल डिज़ाइन की गई है। ऊपर सीलिंग वर्क, सीलिंग के अंदर हमें इसकी रोप लाइट का इस्तेमाल मिलता है। 4 डोर सेक्शन के अंदर यहाँ पे वार्डरोब्स और साथ में इसका अटैच बाथ, बाथ में कमोड की ऑप्शन दी गई है। फुल वॉल यहाँ पे खूबसूरत मैट के अंदर टाइल का इस्तेमाल किया गया है। शावर, शावर के साथ यहाँ पे इसकी वेंटी भी बहुत ही खूबसूरत, ऊपर टच मिरर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे इसका टॉवल और यहाँ पे हैंगिंग। यहाँ से चलते हैं हम इसके सेकंड पोर्शन की तरफ।
पोर्शन की तरफ, जहाँ पे हमें तीन बेडरूम देखने को मिलेंगे। ये इसका लॉबी एरिया है, लॉबी एरिया से इजीली कनेक्ट कर सकता है फर्स्ट फ्लोर को रेंट रोड पर्पस के लिए। और यहाँ पे कि जो मेन दीवार देखेंगे खूबसूरत स्टोन के जरिए मोज़ेक वर्क मिलता है हमें, और दीवार के ऊपर मुकम्मल तौर पर वुड वर्क किया गया है। ऊपर आ चुके हैं, इसकी लॉबी है जो कनेक्ट करेगी थर्ड फ्लोर के साथ। ऊपर सीलिंग, सीलिंग के अंदर शैंडलर, ये इसका टेरेस, टेरेस से बाहर का व्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमें बिल्कुल करीब आपको यहाँ पे पार्क मिलती है। ये सेंट्रल पार्क की जो 500 कनाल पार्क है, इसके बिल्कुल करीब ये घर है जिसका टेरेस है। टेरेस से चलते हैं हम, तो यहाँ पे हमें मिलता है इसका फर्स्ट फ्लोर का लिविंग एरिया, खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। इसकी वॉल डिज़ाइन देखें, फीचर वॉल यहाँ पे डिज़ाइन की गई है सीलिंग मोल्डिंग के जरिए, इसकी जो फीचर वॉल डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे इसकी मीडिया वॉल देखने को मिल जाती है, साथ में दो बेडरूम, बेडरूम के साथ इसका किचन, किचन के साथ इसका थर्ड बेडरूम। पर सीलिंग वर्क देखेंगे तो चैंडलर फैन आपको सारे डीसी मिलते हैं। और ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, बेड वॉल, वेंटिलेशन के लिए विंडो, और ये इसका अटैच बाथ। बाथ बहुत ही लग्जरी डिज़ाइन किए गए हैं, मैट टाइल का इस्तेमाल किया गया है, 2x4 की बड़ी टाइल का इस्तेमाल किया गया। ऊपर देखेंगे तो ऊपर सीलिंग वर्क देखने को मिलता है, ये इसका टच मिरर यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। वेंटी के साथ कम्फर्ट की ऑप्शन मिलती है। यहाँ से चलते हैं, इस रूम की जो है फोर डोर सेक्शन के अंदर वार्डरोब्स देखने को मिलती है। ये इसका किचन, किचन में हमें लॉबी के लिए जो बाहर का टेरेस है और जाने के लिए डोर मिलता है, डबल डोर का इस्तेमाल किया गया है। जिसका किचन ऊपर मिनी डिज़ाइन किया गया, अपर लोअर कवर्स, बर्नर किचन हुड की यहाँ पे ऑप्शन रखी गई है। पर सीलिंग, साथ में इसका सेकेंड बेडरूम, सेकेंड बेडरूम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे इसकी वॉल पेपर, पर सीलिंग, सीलिंग के साथ ही थ्री डोर सेक्शन के अंदर वार्डरोब्स, और ये इसका अटैच बाथ, बाथ में बेसन यानी कि वेंटी और ऊपर मीटर इस्तेमाल किया गया। फुल वॉल यहाँ पे भी टाइल का इस्तेमाल किया गया, आप देख सकते हैं। शावर और यहाँ पे इंडियन कम्फर्ट की ऑप्शन इंस्टॉल की गई है। और साथ में हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम में, ये थर्ड बेडरूम का व्यू कर सकते हैं। 3D वॉल डिज़ाइन और सीलिंग, वेंटिलेशन के लिए विंडो, और ये इसका एक बड़े साइज के अंदर अटैच बाथ, बाथ में कमोड, शावर, फुल वॉल टाइल, टाइल बहुत ही अच्छी यूज़ की गई है। ये इसकी वेंटी, वेंटी के ऊपर टच मिरर का इस्तेमाल किया गया। डिमांड की बात कर ले तो यहाँ पे भी इस रूम की 3 डोर सेक्शन में वार्डरोब्स मिलती हैं। डिमांड बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है आपको ये डिमांड किया जा रहा है, जो फ्लेक्सिबल प्राइस है, नेगोशिएट है, इंशाल्लाह आपको रीजनेबल प्राइस में दे देंगे। ये अगर ऊपर आ चुके हैं तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर शैंडलर और इसकी सीलिंग डिज़ाइन, ये इसका सर्वर रूम हमें ऊपर मिल जाता है, रीजनेबल साइज का है। और सीलिंग यहाँ पे भी फैन इंस्टॉल है, और ये इसका अटैच बाथ। डिमांड मैंने छत के ऊपर आ चुके हैं, सराउंडिंग देख सकते हैं, मुकम्मल घर बने हुए हैं यहाँ पे। लोकेशन बहुत ही हॉट है, सामने देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऐसी सहूलत मिलती है कि आप घर से निकले और एक बड़ी पार्क 500 किनाल की पार्क में इंटर हो सकते हैं। सुबह वर्क ब्रश, रात को वॉक के लिए और खेलने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी खेल रहे हैं, खेलने के लिए तमाम चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, फुटबॉल, क्रिकेट सारे यहाँ पे जो है ना खेले खेली जाती हैं। और बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे रابطہ करें और जितनी जल्दी हो इस घर को बाय करें, क्योंकि ये ऐसी ऑप्शन जो इस हॉट लोकेशन के ऊपर होती हैं वो जल्दी सेल हो जाती है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।